बोलो वो ठीक कर दे। ये करा मास्टर का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चित्रशाला माता का गढ़ उतर के यहाँ पे सारे श्रद्धालु अभी एक कतार में खड़े हैं सब, क्योंकि यहाँ की जो सीढ़ी है वो बहुत खतरनाक सीढ़ी है और इसलिए यहाँ पे कोई भी घाई गड़बड़ ना करते हुए, जल्दबाजी ना करते हुए अभी सीढ़ी से नीचे सब लोग नीचे की तरफ उतरेंगे। ये सीढ़ियों का थोड़ा सा रास्ता है इसलिए यहाँ पे इतनी। तो ये दुर्गम घाटियों में आप देख सकते हो कि पुलिस प्रशासन की एक अपनी ड्यूटी लगी है, वो यहाँ पे खड़े हैं आप देख सकते हो इस वीडियो में, वो इसलिए खड़े हैं ताकि कोई भी जल्दबाजी ना हो, कोई भी धक्का मुक्की ना हो। और ये कोरकू लोग जो रहते हैं, ये पचमढ़ी सातपुड़ा पर्वत पहाड़ियों के आसपास के गाँव से आते हैं ये लोग, जिनको हिमाचल प्रदेश में या वैष्णो देवी आप लोग अगर गए होगे, वैष्णो देवी यात्रा या फिर अमरनाथ यात्रा, तो यहाँ पे इनको पिट्टू करके बुलाया जाता है। तो वैसी नागद्वारी यात्रा में इनको कोरकू ऐसा शब्द दिया गया है, कोरकू कहा जाता है इनको। तो ये लोग काफ़ी मेहनत करते, इतना सारा सामान लेके जाते और इनको पता नहीं भगवान का एक अलग ही वरदान या आशीर्वाद कहो रहता है। ये लोग बहुत ज़्यादा वजन अपने सर पर लेके जाते हैं। तो ऊपर से हम अभी चित्रशाला गढ़ से नीचे कालाझाड़ इस जगह का नाम है, यहाँ पे नीचे आ चुके। आप देख सकते वीडियो में कैसे ऊपर से पानी आ रहा है, वो गुप्त गंगा का पानी है जिसको दूधाला तालाब भी बोलते हैं। ऊपर से पानी ये नीचे आ रहा है, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करते और आराम करते हैं, विराम करते और राम राम करते। कोई लोग नहाते हैं यहाँ पे, नहा के एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है और फिर आगे की तरफ प्रस्थान करते हो, क्योंकि इसके बाद जो है सीधी खड़ी चढ़ाई है ऊपर जो आपको वापस भजेगिरी तक के पहुँचाती है। भजेगिरी वो स्थान है जहाँ पे लोग पहुँच के अपनी यात्रा को मंगलमय सफल पूर्वक मानते हैं और यहाँ पे जल्लोष एक उत्साह रहता है लोगों में, नाचते हैं, गाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। और हाँ, भजेगिरी के भजे कैसे भूल सकते हम, वो भी काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी फेमस है, इसलिए उसका नाम भजेगिरी है। वहाँ पे जो भजे खाने का मज़ा है वो दुगना हो जाता है और ऐसा लगता है कि हम कुछ प्राप्त करके आए हैं। हम एक ट्रैक या फिर एक पिलग्रिम ट्रैक या फिर एक ट्रैकिंग जिसको कहते हैं हम, ऐसा एक परिक्रमा एक पहाड़ों की, सातों पहाड़ों की परिक्रमा करके हम वापस उस जगह पे पहुँचे जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। तो भजेगिरी के बाद आता है धूपगढ़ और फिर आगे हम आगे चलते जाते हैं। 10 दिन की यात्रा होती है, नागद्वारी यात्रा इसका नाम है और ठीक नागपंचमी के 10 दिन पहले इस यात्रा को खोला जाता है सभी श्रद्धालुओं के लिए। काफ़ी दूर दूर से भोपाल, इंदौर, नागपुर, विदर्भ रीजन, गोंदिया, चंद्रपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और भी ऐसी काफ़ी जगह है जहाँ से MP हो गया और महाराष्ट्र हो गया, ये दोनों जगह से यहाँ पे श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आते। ये 10 दिन में कम से कम 8 से 10 लाख के आसपास लोग यहाँ पे इस यात्रा में शामिल होते और लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी कुछ लेके जाते हैं, क्योंकि वो तो महादेव है, वो स्वयं जानते हैं आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो। बट यहाँ का जो नैसर्गिक निसर्गमय और ये जो अनुभव है, हर किसी के लिए अलग अलग अनुभव होता है यहाँ पे आना। और ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, आपकी हेल्थ, आपकी प्रकृति के लिए, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे आ रहे हो जहाँ पे सिर्फ नेचर और नेचर है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े झाड़ देख सकते आप, जो आम के पौधे, इतने बड़े बड़े आम के झाड़ शायद ही कई होंगे, 100-151 फुट के ऊपर के आम के झाड़, और सब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से
पूर्ण है ये जंगल और काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ पाई जाती है। तो वही है, कुछ लोग यहाँ पे पैदल परिक्रमा करते हैं जो सोचते हैं उनके शरीर को कुछ अच्छे अनुभव हो, उनको कुछ अच्छा। अभी ये काला झाड़ से ऊपर की तरफ रास्ता जाता है, अभी एक दुर्गम पहाड़ है जो सभी लोगों को इसी रास्ते से ऊपर जाना है और काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। और अभी इस समय बारिश भी भरपूर हो रही है और इस चढ़ाई को चढ़ना इतना सरल नहीं है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। और फिर हम मिलते हैं आपको भजियागिरी में, जहाँ पे हम लोग भजिया का स्वाद लेंगे और वहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे। बस कुछ ही देर में हम अभी भजियागिरी पहुँचने वाले। देख सकते हैं आप, काफ़ी बारिश हुई है और वही बारिश के कारण हमें फ़ोन को बैग में रखना पड़ा, क्योंकि ये जो चढ़ाई थी, खड़ी चढ़ाई थी, अभी यहाँ से थोड़ा सा सवान सीधा रास्ता दिख रहा है और अभी यहाँ से फिर भी एक घंटे के आसपास हमें और लगेगा भजियागिरी पहुँचने में। और फिर देख सकते हैं आप वहाँ पे लोगों का जो उत्साह है और कैसे लोग वहाँ पे खुश होते हैं और हर एक के चेहरे पे एक अलग ही ऊर्जा और हर श्रद्धालु के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट झलकती है। खुश होते हैं वो कि हम कुछ करके आए हैं, हम कहाँ गए थे, हम वो चीज़ देख के आए जो मतलब काफ़ी इसके लिए काफ़ी भाग्य लगता है। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि यहाँ पे स्वयं वही पहुँचते जिन्हें स्वयं भगवान शिव बुलाते हैं, और हमें एक बार मन से उन्हें पुकारना होता है, नागद्वार स्वामी को उन्हें दिल से एक बार पुकार देनी होती है, वो हमें इस यात्रा में बुला लेते हैं। आप में से काफ़ी लोग सोचते हैं कि कितनी अच्छी जगह है, हम भी कभी चलेंगे, कभी जाएंगे। बस इसी मन से आप इस जगह की इच्छा रखो तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो कैसे आपको इस यात्रा में आमंत्रित करेंगे। माध्यम कोई भी रहे, जरिया कोई भी रहे, और आप भी इसी यात्रा का भाग बनोगे और आपके जीवन कल्याण का मार्ग वहीं से शुरू होगा, क्योंकि आप एक ऐसी जगह देख लोगे, एक ऐसा अनुभव लोगे कि मुझे लगता है कि इंसान अगर इस धरती में जन्म लेता है तो इस ऐसी जगह पे ज़िंदगी में, लाइफ में एक बार तो ज़रूर पहुंचना चाहिए। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, कोई काफ़ी लोग शराब पीते हैं, काफ़ी लोग कुछ ही रास्ते से वापस आ जाते हैं। तो जो सच्चे मन से आता है, सच्चे दिल से आता है, उसको भगवान भोलेनाथ नागद्वार स्वामी ये पूरी यात्रा करा के खुशी खुशी अपने घर भेजते और काफ़ी यादें लेके जाता है। और आप यकीन मानो, आप जब यहाँ पहुँचते हो तो आपको कुछ नहीं याद आता है, ना आपका भाई, ना आपका दोस्त, ना आपका परिवार, क्योंकि आप वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ पे आपको खुशियों का भंडार मिल जाता है, क्योंकि आप अपने आप में खुश होते हो। हर एक चीज़ खूबसूरत लगती है, कुदरत की सुंदरता, ये जो हवा है, ये ताज़ी हवा यहाँ की, मतलब अपने आप में एक जादुई चीज़ है। तो आप स्वयं अनुभव लीजिए। नागद्वारी यात्रा ये 10 दिन की यात्रा होती है। श्रावण महीने में नागपंचमी के ठीक 10 दिन पहले ये यात्रा खुलती है सारे भक्तजनों के लिए। और उसी दौरान काफ़ी मंडल, जो नागपुर के मंडल है, छिंदवाड़ा के है, और भी अन्य राज्यों से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे अन्नदान होता है, अंदर काफ़ी जगह अन्नदान होता है। तो खाने पीने की कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ पे हर एक सुविधा रहती है जो भी हो सके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा या प्रशासन द्वारा, काफ़ी हद तक के श्रद्धालुओं के लिए सुविधा की जाती है। और पचमढ़ी एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन के नाम से भी फेमस है, वहाँ पे भी बहुत सारी जगह है, डचेस फॉल है, बी फॉल है, अप्सरा फॉल है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम, अभी चौरागढ़ महादेव जटाशंकर के आपको दर्शन कराएंगे।
सातपुड़ा की रानी पचमढ़ी की वादियों में है ये प्रसिद्ध नागद्वार मंदिर, नागद्वारी यात्रा। इसे मध्य प्रदेश का अमरनाथ भी कहते हैं काफ़ी लोग, काफ़ी लोग इसे कैलाश, दूसरा कैलाश भी कहते हैं। अमरनाथ यात्रा की तुलना, इससे तुलना अगर की जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी कठिन यात्रा है ये, क्योंकि मंदिर तक पहुंचने के लिए 7 दुर्गम पहाड़ों को चढ़कर जाना होता है। इसे भगवान शिव का दूसरा घर भी कहा जाता है। ये मंदिर सिर्फ सावन के महीने में 10 से 11 दिनों के लिए खोला जाता है। मतलब ये पहाड़ी जो है, ये जो यात्रा जहाँ हम लोग अभी घूम के आए, ये सिर्फ 10 दिन के लिए खुलती है। इस साल 12 अगस्त से 22 अगस्त 2023 तक ये मेला लगा था। यात्रा में देश भर से करीब 10 लाख श्रद्धालुओं आते हैं, इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। इसे नागद्वारी यात्रा कहते हैं। नागफनी से नागद्वारी की यात्रा शुरू होती है। यहाँ श्रद्धालु एकत्र होकर भगवान के जयकारों के साथ हरिहर हरिहर बम भोले ऐसे अलग अलग नामों से उन्हें पुकारते हैं। यात्रा करीब 12 से 15 किलोमीटर की है। यात्रा के दौरान 7 पहाड़ चढ़ने होते हैं। इनमें ऊंचे नीचे सर्पाकार पगडंडियों और सीढ़ियों की मदद से मंदिर तक पहुंचना होता है। यात्रा में काफ़ी लोग सेवा भगत सेवा भगतीन ऐसे कहते हैं और आपको सेवा प्रदान करते हैं। तो कोई भी कष्ट सहायता के लिए यहाँ पे भगत हमेशा तत्पर रहते हैं आपकी सेवा में। छोटे बच्चे 4 साल 5 साल के बच्चों से लेके 90 साल 100 साल तक के बुजुर्ग तक के सभी लोग इस यात्रा में सहभागी होते हैं और बड़े उल्लास के साथ भगवान शिव की नगरी घूमते हैं। बड़ा आनंद आता है, एक दूसरे को देख के ऊर्जा प्रदान होती है। यात्रा में, यात्रा के रास्ते में भगवान शिव के जयकारे गूंजते रहते हैं। इन पहाड़ियों में सिर्फ भगवान का नाम हरिहर, ये नाम सुनाई देता है। महाराष्ट्र से कई सेवा मंडल यहाँ पहुँचते हैं श्रद्धालुओं के लिए। नागफनी और कालाझाड़ में पश्चिम द्वार में पानी पीने की व्यवस्थाएँ की गई है। काफ़ी लोग अपनी पानी की बोतल साथ में लेके चलते हैं। सावन के महीने में शिव जी की आराधना और नाग देवता के दर्शनों के लिए मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व अन्य प्रांतों से काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस नागद्वारी मेले में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए SDM, SDOP, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और RI के साथ ही जिला प्रशासन के अनेक अधिकारी मौजूद रहते हैं। इसके साथ ही करीब 700 पुलिस का बल, होमगार्ड, आपदा मित्र ऐसे काफ़ी लोग रहते हैं जो व्यवस्थाएं, जवान रहते हैं जो व्यवस्थाएं संभालते हैं। काफ़ी बड़े बड़े शहरों से बसेस शुरू होती है 10 दिन के लिए, जो पचमढ़ी आपको लेके आती है और फिर पचमढ़ी से फॉरेस्ट की जिप्सीओ से आपको एक स्पेसिफिक स्पॉट यानी कि धूपगढ़ तक के आपको उस जिप्सी में पहुंचाया जाता है। फिर वहां से आपकी जो है यात्रा प्रारंभ होती है। जैसे कि हम घूम के आए अंदर, नागद्वार की यात्रा जो धूपगढ़ से चालू होती है, भजेगिरी होते हुए काजरी गांव पहुंचते हो आप। काजरी गांव वहां पे जहां श्रावण बाण भगवान का मंदिर है, साथ ही में वहां पे निशानगढ़ ये पहाड़ है। फिर वहां से आप काजरी गांव से आप और आगे जाते हो तो आप
पद्मशेष महाराज जी वहाँ पहुँचते हो पश्चिम द्वार, पश्चिम द्वार से आप स्वर्ग द्वार पहुँचते हो, स्वर्ग द्वार से चिंतामणि, चिंतामणि 100 फीट की गुफा है, चिंतामणि गुफा, वहाँ से वहाँ पे नागदेव की मूर्तियाँ है। ये सारी यात्रा नाग भगवान की यात्रा है, नाग देवताओं की प्रतिमाएं हैं यहाँ पे, और यहाँ कोई किसी ने कोई मंदिर नहीं बनाया, ये जो गुफाएं हैं ये प्राकृतिक गुफाएं हैं, और इसी का आनंद है, ये देखने का आनंद है। चिंतामणि से आप भोजन ग्रहण करके वहाँ आप देखते हो नागिनी पद्मिनी की गुफा है, बाजू में राजगिरी पर्वत है, वहीं से ऊपर चढ़ते हो आप तो गंगावंशेश महाराज की गुफा है जो कि बहुत ही सुंदर है। वहाँ से आप आगे जाते हो धुनी वाले बाबा जी का गुफा है, उसी के बाजू में गुलालशेष महाराज की गुफा है। ऊपर चढ़ते चढ़ते फिर आप पहुँचते हो ऊपर जहाँ पे डोमनशेष और हल्दीशेष महाराज की गुफा है। हल्दीशेष वह गुफा है जहाँ पे आपको बिल्कुल सांप की तरह उस गुफा में प्रवेश करना होता है क्योंकि बहुत छोटी गुफा है, और अचंबा वहाँ का ऐसा कि वहाँ की मिट्टी देखो आप, हल्दी के कलर की मिट्टी आपके शरीर को तन बदन को लग के बाहर आते हो आप। फिर वहाँ से आप चित्रशाला माता की तरफ जाते हो, चित्रशाला माता दत्तगिरी, वहाँ से चित्रशाला गढ़ जिसको मायका गढ़ भी कहते हैं, जहाँ पे आपने सफ़ेद धागा जिनकी मन्नत रहते वो लोग धागा बांधते वहाँ पे, और फिर वहाँ से नीचे उतर के आप काला झाड़ उतरते हो और फिर एक पहाड़ और ऊपर चढ़ते हो तो आप फिर वापस भजेगिरी धूपगढ़ पहुँचते हो। तो इस यात्रा को काफ़ी साल हुए हैं, कितने साल हुए कोई नहीं जानता है, कोई 100 साल कहता है, कोई 150 साल कहता है, लोग 3-3, 4-4 पीढ़ियों से मंदिर में नाग देवता के दर्शन करने आ रहे हैं यहाँ पे। और अभी तो काफ़ी YouTube के माध्यम से और काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक के ये इस यात्रा के बारे में या फिर इस जगहों के बारे में कोई ना कोई कहाँ ना कहाँ से सुनते आ रहा है, तो मन में इच्छा बना रहे, बट ये यात्रा काफ़ी कठिन यात्रा रही है, और अभी लोगों के सामने इस यात्रा के बारे में काफ़ी हद तक के दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, और आज हमने भी आप लोगों के लिए ये वीडियो के द्वारा एक छोटी सी कोशिश हमने रखी है। पर ये यात्रा इतनी सरल यात्रा नहीं है क्योंकि काफ़ी कठिन रही है ये यात्रा। अभी सुख सुविधाएं लोग जैसी बढ़ते गए, वहाँ कुछ दान होते गया तो वहाँ पे लोगों के लिए श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ती गई, नहीं तो एक समय पहले यह यात्रा काफ़ी कठिन यात्रा मानी जाती थी जो कि आज भी मानी जाती है, आज भी इतनी आसान नहीं है जितना आसान हम सोच रहे हैं। बट वही बात फिर से दोहराऊंगा मैं कि एक 5 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बूढ़े तक के आपको सब जो भगवान में लीन है, जिनका भगवान पे अटूट विश्वास है, जो मन से उनको चाहता है और मन से जो पुकारता है, उसकी यह सबसे सफल और मंगलमय यात्रा साबित होती है, और बहुत अनुभव, बहुत ही अच्छा अनुभव लेके जाता है। बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, और ये नागद्वार की यात्रा सावन मास में ही होती है जहाँ पे अन्नदान होता है, और बाबा अमरनाथ बाबा भोलेनाथ जब इस धरती पे होते इस सावन के महीने में काफ़ी खुश होते अपने श्रद्धालुओं से जो अन्नदान करते हैं। तो बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए ऊँचे हिमालयों से होकर गुजरना होता है, जबकि ये नागद्वारी यात्रा के लिए सातपुड़ा की घनी व ऊंची पहाड़ियों में सर्पाकार पगडंडियों से गुजरना होता है, और काफ़ी रहस्यमय चीज़ें है यहाँ पे, और हर व्यक्ति का अपना एक अनुभव होता है। तो मैं
कितना भी कोशिश करूंगा आपको इस जगह के बारे में बताने की तो मैं असफल रहूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक खुद का व्यक्तिगत मत होता है और अलग अलग अनुभव होते हैं। तो इसी बात पे हरिहर और नागद्वारी सेवा मंडल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। हर हर महादेव।
भजेगिरी बाय, ये भजेगिरी है लास्ट। पूरे पहाड़ हुए।